गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th मैथ्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.4। तो इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शंस के हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, थर्टीन अपॉन 3125। तो टर्मिनेटिंग फंक्शंस होते क्या हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो 2 raised to power n और 5 raised to power n की प्रॉपर्टी को शो करें। ये प्रॉपर्टी कब लगती है? जब हम किसी भी टर्म्स के फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर 2 raised to power n और 5 raised to power m आने चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं हम, 13 का तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, 3125 के बना रहे हैं। तो 3125 के बनाए तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 5 से सॉल्व किया, तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर अगेन 5 से 5 बन जा 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ये तो फैक्टर बन गए 3125 के। 13 के फैक्टर तो यही बनेंगे 13 multiply 1, और 3125 के बन गए 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5। तो 5 5 ये थे और 5 इस साइड को राइट कर लिए। तो इसका मतलब हो गया कि 5 raised to power 5। क्या मतलब हुआ? 5 raised to power 5। तो अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x = p/q। तो हमने कंपेयर कर दिया, ऊपर वाला p की वैल्यू 13 और q की वैल्यू 3125। तो अब हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि लग रही है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो फैक्टर्स की, जो फॉर्म रहेगा वो q के हिसाब से होगा, q = 5 raised to power 5 multiply 2 raised to power 0। इसको राइट कर सकते हैं 2 raised to power 0, 5 raised to power 5। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टर्म के पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। ये हम प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं। ये कौन सा फंक्शन हुआ? टर्मिनेटिंग फंक्शन। तो x की वैल्यू 13/3125 इज टर्मिनेटिंग फंक्शन। टर्मिनेटिंग फंक्शन, फंक्शन भी लिख सकते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 17/8 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 17 एक प्राइम नंबर है और 8 इवन नंबर है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, 17/8 लिखा तो p की वैल्यू 17 आती है और q की वैल्यू 8। तो 17 के तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे और q के 2 multiply 2 multiply 2, दैट इज 2 raised to power 3 एंड 5 raised to power 0। तो हम बोल सकते हैं अब क्या, 17/8 इज हैज ए टर्मिनेटिंग, लास्ट टाइम फंक्शन लिखा था, इस टाइम डेसिमल एक्सपेंशन राइट कर लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो अब इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, हम जस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड
पार्ट है वो भी एज इट इज है और फोर्थ भी, थर्ड पार्ट भी, थर्ड पार्ट 4, 5, 5। तो थर्ड पार्ट में दोबारा से x की वैल्यू p अपॉन q राइट की, 64/4, 5, 5 राइट किया, p की वैल्यू 64 आ गई, q की वैल्यू 4, 5, 5 आ गई। तो अब हम LCM निकालेंगे, 64 सिंपल टर्म है तो LCM निकल सकता है। तो क्या है LCM 64 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 8 क्योंकि 8 जा क्या होता है 64, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2⁴ = 6 आ गया। और क्यों, 4, 5, 5 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें। अब हम अब LCM ले लेते हैं, कर लेते हैं LCM 4, 5, 5। तो हमने अब LCM लिया, तो फर्स्टली 5 से किया, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 7 से किया 13 आ गया, 13 से किया 1, 5 × 7 × 13। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो 455 है उसमें 5 के साथ 7 और 13 भी आ रहा है। अब तो इससे हमें पता क्या लग रहा है कि ये इस फॉर्म को शो नहीं कर रहा। किस फॉर्म को, 2⁻⁵ × 5⁻ फॉर्म को, फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया फिर, कौन सा फंक्शन हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बस हम इस एक्सरसाइज से जस्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं कौन सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। इसका फिफ्थ पार्ट डिफिकल्ट है, बाकी पार्ट सबके सब बहुत इजी हैं। फिफ्थ पार्ट किया हमने तो ये बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है, 29/3, 4, 3। तो दोबारा से हम x की वैल्यू लिखेंगे p अपॉन q, दैट इज 29/3, 4, 3। p लिखा 29, तो 29 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर्स नहीं बने, 3, 4, 3 के फैक्टर्स बनेंगे, 7 × 7 × 7⁻³। x की वैल्यू 29/3, 4, 3, तो फंक्शन कैसा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन, नॉन सॉरी स्पेलिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, लिखो डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये रहा हमारा, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट में एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट रहा हमारे पास 129/2⁻², 5⁻⁷, 7 × 7⁵। तो दोबारा से वही x इक्वल्स टू p अपॉन q, p की वैल्यू रहती है 129, q की वैल्यू 2⁻², 5⁻⁵, 7 × 5। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखने से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशन। एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 129 ओवर 2 रेस्ट पावर 2, 5 रेस्ट पावर 7, 7 रेस्ट पावर 5 था। हमने x को माना p अपॉन की, जैसे सब क्वेश्चन में लिखा वैसे ही ये भी लिखा। p की वैल्यू आ गई 129, q की वैल्यू 2 रेस्ट पावर 2, 5 रेस्ट पावर 7, 7 रेस्ट पावर 5। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से ही क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि ये वाला 2 रेस्ट पावर n, 5 रेस्ट पावर n की फॉर्म नहीं बना रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके okay.